आने वाले समय में भारत की प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया, इन सब में एक सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा पुल कहां गिरते हैं। जवाब होगा बिहार। आपने वो वाला खेल तो खेला ही होगा, एक मछली पानी में गिरी छपाक, दो मछली पानी में गिरी छपाक। अब इस खेल में थोड़ा बदलाव हो जाएगा, यहां मछली की जगह पुल कर देंगे। एक पुल पानी में गिरा छपाक, दो पुल पानी में गिरा छपाक, मतलब हद है। 11 दिन के अंदर बिहार में पांचवी बार पुल गिरा है, यानी कि पांच बार पुल पानी के अंदर छपाक हो गए। बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक और निर्माणाधीन पुल गिर गया। पिछले 11 दिनों में ये पुल गिरने की पांचवी घटना। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दरअसल शुक्रवार को मधुबनी में जो पुल गिरा है उसकी लंबाई 77 मीटर है। दो पिलर के बीच में जो बीम है उसका एक हिस्सा गिर गया। बड़ी बात, दिलचस्प बात ये रही कि प्रशासन ने इस लापरवाही को छिपाने के लिए टूटे हुए हिस्से को काले रंग के प्लास्टिक से ढक दिया, जिससे लोगों को पुल गिरने की जानकारी ना हो सके। मधुबनी का ये पुल करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। ये पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बनाया जा रहा था। 18 जून को अररिया में पुल गिरा था, उसके बाद सीवान में, उसके बाद मोतिहारी में, फिर किशनगंज में, फिर चंपारण में और अब मधुबनी में। यानी कि 11 दिन के अंदर पांचवी बार पुल गिरा है अलग अलग शहरों में। इसके बाद से पुल निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग आवाज उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, लेकिन तमाम नेता, तमाम पार्टियां नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है कि भाई क्या यही है डबल इंजन की सरकार। लेकिन पुलों के गिरने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। पुल उस राज्य में गिर रहे हैं जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी इंजीनियर हुआ करते थे। हालांकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, लेकिन वो ये पुल बनाने वाले सिविल इंजीनियर्स पर नज़र तो रख ही सकते हैं कि भाई कहां गलती हो रही है, क्या क्या कमी है, आखिर ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं। लगता है कि बिहार सरकार को पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, इतने पुल गिर रहे हैं। खैर, ये कोई मजाक की बात नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगा। पुल क्यों गिर रहे हैं और अब तक जितने भी पुल बनाए गए हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है, इसकी जांच के लिए कमेटी बनानी चाहिए। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।